हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूँ रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत या परसेंटेज के बारे में। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें और पूरे वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 120 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। मतलब कि 120 को मशीन के पुर्जा था ना, तो क्या में से 5% पुर्जा जो है खराब था। उसके बाद कह रहा है कि 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। तो हमसे कह रहा है कि दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसमें खराब मशीनी पुर्जों का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे सबसे पहले देख रहे थे कि कुल मशीन कितना है। कुल मशीन पुर्जो के 120 मशीनी पुर्जो, तो यहाँ पर कुल मशीनी पुर्जो कितना है? पहले में कितना है? 120। अब बाद में कितना है? 80। तो टोटल हमको पता चल गया कि 200 मशीनी पुर्जा है। 120 मशीनी पुर्जा में एक खराब की संख्या, 120 मशीनी पुर्जो में खराब की संख्या कितनी है? तो खराब की संख्या के लिए क्या करेंगे, क्या करा है? 5% पुर्जे खराब थे। किसके? कितने के 5%? तो 120 के था 5%। तो 120 गुना 5% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5 भागा 100। तो 5 से कितना मरतबा कट गया? 20 मरतबा। और 20 से ही 6 मरतबा। तो यहाँ से पता चलेगा कि 6 को मशीन जो है पुर्जा खराब है। हमको दिया हुआ था कितना कि 120 मशीन पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। तो हमको परसेंट से तो काम नहीं चलेगा, तो उसका क्या निकालिए कि आखिर में कितने पुर्जा खराब है? 120 मशीनी पुर्जों में खराब की संख्या कितनी है? तो 6 है। उसी तरह से 80 मशीनी पुर्जों में खराब की संख्या, 80 मशीनी पुर्जों में खराब की संख्या कितनी है? तो 80 गुने ये कितना है? 10%। तो 10 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, तो यहाँ से पता चल गया कि खराब की संख्या 8 है। तो टोटल खराब की संख्या कितनी है? 120 में 6 को खराब है और 80 में 8 को खराब है। तो टोटल 14 को खराब है मशीनी पुर्जा। हमको खराब का प्रतिशत निकालना है कि खराब कितना प्रतिशत है सही से। तो खराब की संख्या कितना है? 14 बटा कुल संख्या, कुल के को मशीनी पुर्जा है 200 गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हटा दीजिए और 2 से ही 7। यहाँ से पता चल गया कि खराब का जो प्रतिशत है वो 7% है। टोटल मशीन जो है खराब, पुर्जों की संख्या खराब मशीनी दोनों मोटरों के मिलाकर जो खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत है वो कितना है? 7%। यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हुआ कि ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे हैं, अंडा खरीद रहा है ठीक है, जिनमें से 10% सड़ गए। अब एक व्यक्ति अंडा कुछ खरीदा, उसमें से क्या हुआ कि 10% सड़ गया। शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब जो बचल है वह 80% पड़ोसी को दे दे रहा है। अब उनके पास 36 अंडे बचे हैं। तो कह रहा है कि उसने कितने अंडे खरीदे थे, बताइए कि कितने अंडे खरीदे थे। इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो हम लोग मान लिए कि एक आदमी ने टोटल 100 अंडे खरीदे, अंडे खरीदे की संख्या कितना है? अंडा खरीदे ने की संख्या कितनी है? मान लिए कि 100 है। तो 10% सड़ गया, यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल 36 अंडे बचाए, अब उनके पास 36 अंडे बचे हैं। जब 10% सड़ गया, 100 अंडा वो खरीदा तो 10% सड़ गया, तब कितना बचा? 90% ना बचा। तो 90% मतलब कि 100 गुने 90 बटा 100। भिन्न में इसी तरह से बता सकते हैं। शेष में से वह 80% पड़ोसी को दिया। अब इतना तो था ही, अब इसमें से क्या हुआ कि 80% पड़ोसी को दे दिया, तब बचा कितना? 20% ना। तो गुना 20 बटा 100 बचल के करें, अब बराबर कितना है उसके पास? अब उनके पास अंडा कितना बचल है? 36। तो 36 लिख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से 9 चक 36 और 2 से 2 मरता हुआ। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 2 आई, नीचे से 100 जाएगा तो x बराबर 200। तो उसने टोटल जो है 200 अंडे खरीदे थे जिसमें से 36 को बचा है। ये क्या हुआ?
10% सड़ गया, तो मतलब कि 20 को सड़ गया, 80% जो बचा था वो पड़ोसियों को दे दिया। ठीक है, तब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास के ठोस शंकु, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले के काटकर बनाया गया है। तो हमसे कह रहा है कि तदनुसार नष्ट की गई लकड़ी कितने प्रतिशत है। तो हमसे पूछा कि नष्ट किया गया जो लकड़ी, अब सोचिए कि आप एक शेप से दूसरे शेप में बना रहे हैं तो क्या होगा, लकड़ी का तो अभी क्या होगा, काटने छाटने में क्या होगा, खराब तो हो ही जाएगा। तो वही किया पूछा कि हमसे कि नष्ट की गई लकड़ी कितना प्रतिशत है। तो शंकु कैसा होता है, ऐसा ही ना होता है, शंकु है ये, इसका क्या होता है त्रिज्या, ये पूरा क्या होता है व्यास, ये इसका क्या होता है ऊंचाई हाइट। तो यहाँ पर दे दिया हम लोगों की ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर व्यास है। तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का आधा, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या यहाँ से कितना हो जाएगा, व्यास जब 18 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 18 भागा 2 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले, एक गोला है ठीक है, तो उसका त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर, गोला इस टाइप से होता है, इसका जो है त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि तदनुसार नष्ट की गई लकड़ी कितने प्रतिशत है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे, तभी ना आयतन से ही ना पता चलेगा कि कितना परसेंट लकड़ी जो है क्या हुआ नष्ट की गई। तो यहाँ से शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला, शंकु के जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन का कितना होता है, गोले के आयतन बराबर जो होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो हमको क्या करा कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस लकड़ी के गोले को काट कर बनाया गया है, क्या शंकु, मतलब कि गोले का आयतन बड़ा है और शंकु का आयतन छोटा है। अभी कोई चीज़ से आप दूसरी चीज बना रहे हैं तो क्या होगा, उसका तो आयतन छोटा ही होगा, और जिससे बना है क्या होगा वो तो उसका तो आयतन ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से नष्ट की गई लकड़ी पता चल जाएगा, यदि हम लोग क्या करें पता कर लें नष्ट की गई लकड़ी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, गोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और माइनस शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से क्या करिए, आर का मान कितना है दोनों जगह पे 9 सेंटीमीटर है, अब पाई आर क्यूब है यहाँ पे, पाई ऊंचाई भी क्या है 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से सबको पुट कर दीजिए, 4/3 पाई आर का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे त्रिज्या गोला का कितना त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर इंटू एच, एच हाइट, हाइट ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या हो गया 9 स्क्वायर इंटू 9, 9 का क्यूब, तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 1/3 पाई 9 का क्यूब इंटू, बच गया यहाँ से कितना 1/3 पाई 9 क्यूब कर लिया यहाँ से कॉमन, तो 4 बच गया, इधर कितना बच गया माइनस 1, तो यहाँ से कितना हो गया 1/3 पाई 9 का क्यूब, आ 4 में से जाएगा तो 3, तो यहाँ से क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया पाई 9 क्यूब। इसको इसी तरह से रहने दीजिए ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग को पता चल गया कि नष्ट की गई लकड़ी का आयतन कितना है पाई 9 क्यूब। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत कितना है, नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत, नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत बराबर क्या होगा, आगे नष्ट की गई लकड़ी का आयतन कितना है पाई 9 क्यूब बटा, पहले से उसका गोले का आयतन कितना था 4/3 पाई 9 क्यूब, आप प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या होगा पाई 9 क्यूब, पाई 9 क्यूब क्या होगा खत्म हो जाएगा कट जाएगा, बच गया कितना 100/4/3, इसको लिख सकते हैं 100 × 3/4, तो 4 से क्या होगा 25 मरतबे कट जाएगा, तो 25 × 75, तो हमको पता चल गया कि नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत कितना है 75%।
तो यहाँ पर क्या है, लॉस सबसे ज़्यादा है। पर कोई भी चीज़ आप कोई दूसरा चीज़ बना रहे हैं, आपको 75% का लॉस हो गया, मतलब क्या आप 25% का ही बनाए, उस लकड़ी का उपयोग किए, आप 75% जो है लकड़ी बेकार कर दिए। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं, ठीक है। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत कितना है? तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सो देखिए, एक डिब्बा में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं, तो कुल पहले गोले की संख्या कितना है? सबसे पहले कुल गोले की संख्या बराबर क्या करेंगे, एक डिब्बा में 100 को नीला है, 50 को लाल है तथा 50 को काला है, तो टोटल जो है 200 गोला है। उसमें से क्या हो रहा है, 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब नीले गोले की संख्या कितना बच गया? नीले गोले की संख्या जब निकालने के बाद, गोले की संख्या अब क्या था, 100 को नीला गोला था जिसमें से 25% निकाल ही लिए, तब बच गया कितना, 75%, तब 75/100, तो 100 से 100 काट दीजिए, तो अब जो है नीले गोले की संख्या कितनी होगी, 75। 50% लाल गोले निकाल लिए गए, अब लाल गोले की संख्या कितना बच जाएगा, जब 50% निकाल लिया गया तो लाल गोले की संख्या निकालने के बाद, तब पहले से लाल गोले की संख्या कितनी थी, 50, अब 50% निकाल दिया गया तो 100 - 50, तब 50/100, तो यहाँ से कितना हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तब जो है लाल गोले की संख्या 25 है। तो हमसे कह रहा है कि काले गोले का प्रतिशत कितना है, नीला गोला की संख्या अब कितना हो गया, 75, लाल गोले की संख्या कितना हो गया, 25 है, आ काला गोला तो 50 को था तो 50 है ही, काले गोले की संख्या कितनी है, 50, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, काले गोले की प्रतिशत पूछ रहा है ना, काले गोले का प्रतिशत, तो काले गोले की संख्या कितनी है, 50, आ बटा निकालने बाद के बाद अब कुल संख्या कितना बचा, 75 / 25 100, अब 50 150, तो 50/150 × 100, निकालने बाद गोले की संख्या यही ना बचा, ये दोनों और इससे फिर ये, तो 75 / 25 100 और 50 150, क्योंकि काले गोले में कोई डिफरेंस नहीं है, पहले जितना था काला गोला अब उतना ही है। तो हमसे पूछा कि काले गोले का प्रतिशत कितना है, कब, जब निकालने के बाद, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 साफ कर देंगे, 5 से 3 मरतबे खत्म हो गया, तो बच गया 100/3। 100/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33.1/3%। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसको चेंज नहीं करने आता है तो देखिए क्या करिए, हम हर एक वीडियो में बता देते हैं कि 3 से 100 है, यही ना, 100 को 3 से भागा दिया जा रहा है, 3 से 1 कितना मरतबे कट गया, 3 दिए 9, फिर बच गया 10, फिर 3 दिए 9, 1 बचा ना, तो जो शेषफल है उसको ऊपर लिखिए, जो भागफल है उसको इधर लिखिए, आज जिसे भाग दे रहे हैं उसको इधर लिखिए, इसको पढ़ते हैं 33.1/30%, ठीक है। तब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रतन का व्यय मतलब खर्च और बचत 5:1 में है, 5:1 है, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, जब वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो उसको खर्चो तो करना है ज़्यादा, तब इसको कैसे बनाएंगे, सो देखिए। तो सबसे अच्छा है कि एक्स मान के बना लीजिए, वही आसान होगा। रतन का व्यय और बचत कितना है, 5:1 है, मतलब कि मान लीजिए कि रतन का जो खर्च है व्यय वो 5 रुपया है, तो उसका बचत कितना है, रतन का बचत 1 रुपया, यही ना है, 5:1 में, यदि इसका रतन का व्यय 5 रुपया है तो बचत 1 रुपया है, यदि रतन का व्यय खर्च जो है 50 रुपया है तो इसका बचत 10 रुपया है, यदि यहाँ पे रतन का व्यय 5x है तो उसका बचत कितना है, 1x है, ठीक है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, अब सुनिए, आप सोचिए कि वेतन आपको कितना मिलेगा,
वेतन बराबर क्या होगा, आपको 500 रुपया मिला तो आप उसमें क्या करिएगा, कुछ खर्च करिएगा, कुछ बचत करिएगा, यही ना। तो वेतन बराबर जो होता है व्यय खर्च प्लस बचत। व्यय कितना है 5x, आ खर्च कितना है, बचत कितना है x, तो 5x प्लस x 6x। तो हमको पता चल गया कि वेतन जो है रतन का 6x है। अब कह रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, जब वेतन उसको 25% बढ़ा दिया जा रहा है, वेतन बढ़ाने के बाद क्या होगा, बढ़ाने के बाद, तब पहले से कितना था वेतन उसका 6x, अब क्या हो रहा है 25% बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब कि पहले से तो 100% था ही, उसमें भी 25% का बढ़ोतरी किया जा रहा है, तो 125 आप परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा दीजिए, 25 पचे 125 है, 25 चक 100, अब 2 से इसको काट दीजिए 3 मरतबा, ये 2 से 2 मरतबा, यहाँ से पता चलेगा कि 3 पचे 15x भागा 2, तब वेतन जो है बढ़ाने के बाद 25% बढ़ाने के बाद उसका हो गया कितना 15x/2, मतलब कि 7.5x, पहले कितना था 6x, अब हो गया 7.5x, और बचत 15%, और बचत को भी क्या है 15% बढ़ा दिया जा रहा है, तो बचत बढ़ाने के बाद क्या होगा, बचत बढ़ाने के बाद पहले से कितना था उसका बचत 100 रुपया था, अब उसमें क्या हो रहा है 15% और बचत कर रहा है, तो 1 × 15, तो पहले तो 100% बचत कर ही रहा था, अब उसमें क्या हो रहा है 15% आओ, मतलब 115/100, इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 से किसको कितना मरतब है 23 मरतब है, और इसको 5 से कितना मरतब है 20 मरतब है, तो यहाँ से पता चल गया कि 23x/20 इसका क्या हो गया, बचत हो गया। तो उसका व्यय खर्च कितना है, खर्च में हमको कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि खर्च में जो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, खर्च में वृद्धि कितना हो जाएगा, पहले से अब नया खर्च कितना हो जाएगा, पहले से वेतन माइनस बचत जो होगा खर्च होगा, वेतन माइनस बचत, क्योंकि वेतन बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत होता है, तो वेतन माइनस बचत कितना हो गया व्यय खर्च, तो वेतन वेतन कितना हो गया 15x/2 अब माइनस अब बचत 23x/20, अब क्या करिए दोनों का लसा ले लीजिए, 2 और 20 का लसा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 2 दहाके 20, तब 15x/150x अब माइनस 23x, यहाँ से कितना हो जाएगा 150 में से 23x जाएगा, तो कितना बचेगा 127, 127 × 3 30 है, 20 50, तो यहाँ से पता चलेगा कि उसका अब खर्च जो है 127x/20 हो गया, पहले कितना था 5x था, अब 6 से भी ज़्यादा हो गया, खर्च क्या है बढ़ाने के बढ़ने के बाद, जब वेतन और बचत बढ़ गया तो खर्च कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा 127x/20 हो गया, तो हमसे पूछ रहा है कि उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, ये हमसे पूछ रहा है, तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वो खर्च करा था 5x, अब क्या है खर्च करा 127x/20, 127x/20 पहले अब खर्चा करा है, आप पहले कितना करा था 5x, अब बटा जो भी पहले खर्चा करा है उसी से भाग दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 यहाँ पर 5x है, मतलब क्या बटा में 1 है, तो 20 1 का लस 20, 127x हाँ माइनस है यहाँ पर 1 है, तो 1 से 20 लाने के लिए क्या करिएगा 20 में गुना करिएगा, न कि 19 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो 5 तो यहाँ पे नीचे 20 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर भी तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 बचे 100, तो यहाँ 100x/100 हो गया, और नीचे कितना था 5x, तो 5x छोड़ दीजिए, 127 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 27x/20 बचे 100x, आ ऊपर गुने 100, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 100 से 100, यहाँ से पता चल गया कि वेतन में जो प्रतिशत वृद्धि कितना का है, तो 27% का वेतन में वृद्धि है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो गया, कि उसका जो अब खर्च में जो है कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया 27% का, क्योंकि तो पहले वो खर्च कर रहा था 5x, अब क्या हुआ कि उसका वेतन बढ़ गया और बचत भी बढ़ गया, तो खर्च भी बढ़ जाएगा, तो उसका खर्च हो गया 127x/20, तो जब कोई में भी प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो क्या करिए कि जो नया है
माइनस पुराना बटा पुराना गुणे 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू।